और हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। S-400 यूक्रेन का ये दावा है, यूक्रेन भी पता नहीं कैसा दावा कर रहा है। S-400 यूक्रेन जानता है, S-400 एक डिफेंसिव सिस्टम है जो कि एयर डिफेंस करता है, जो कि मिसाइल अगर हमारे देश पर मिसाइल खतरे से आएगी तो हमारा जो S-400 है उसको डिफीट करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर S-400 की डिप्लॉय की है तो रशिया को अंदेशा है, एक रशिया अंदेशा सॉरी गलत शब्द होगा, रशिया अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म पूरी तरह अलर्ट कर रहा है कि कहीं अगर लड़ाई बढ़ती है, नाटो में कोई अगर ऐसा ही तूफान आता है जैसे जेलेंस्की में आता है, वो भी ऐसी गलती करता है तो रशिया प्रत्येक है। आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि दरअसल यूक्रेन की ओर से मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश भी की जा रही है और दोनों देशों की ओर से जो मीडिया की ओर से जिस तरह की खबरें सामने रखी जा रही है भरोसा पर किस पर किया जाए, क्योंकि यूक्रेन के दावे पर अगर विश्वास नहीं किया जाएगा, रूस जो दावा कर रहा है उसके दावे पर विश्वास नहीं किया जाएगा, फिर भरोसा किसके दावे पर किया जाएगा। देखिए ये तो अपनी एनालिसिस है, हम सब जानते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट भी अगर सुपरसोनिक है उनके खिलाफ है, जो रडार नहीं पकड़ पा रहा था उसको S-400 पकड़ता है, 400 किलोमीटर उसकी रेंज है ठीक है रडार की और फिर 200 किलोमीटर। इसके पहले केके अग्रवाल जी ने जो बातें कही थी कि रूस की मंशा क्या है इस वक्त, वो मैं देखिए क्या नजर आती है। रूस की मंशा पहले दिन से बहुत स्पष्ट है, जो पुतिन ने बोला सब जानते हैं, बार बार दोहरा चुके हैं, रूस स्पष्ट है कि नाटो में कभी भी यूक्रेन नहीं जाए और यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ रहे और यूक्रेन में जो नियो नाजीज घुसे वो एक रियलिटी है, उनको वो डिमिलिटराइज करे और अल्टीमेटली जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज चाहे। वो पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज इसलिए चाहता है अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कोर्ट भी बदलने और कहे ये नियो नाजीज है प्लीज टेक देम और इनको मार दीजिए। वहां की जनता क्या रूस की ओर से नियुक्त किए गए किसी भी राष्ट्रपति पर भरोसा करेगी? वो क्यों चाहेगी कि रूस अपनी ओर से नियुक्त करे और हमारे देश के स्वाभिमान को वो बदलाव करके वापस अपना विड्रॉ कर लेगा, पर इन्फ्लुएंस करेगा। ये तो पुराना ऑर्डर है, कोई नई बात थोड़ी है। हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर और एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा पोलैंड के सीधा ठीक है। अब ये लगातार हम दिखा रहे हैं S-400 की तैनाती यूक्रेन का ये दावा है जंग के बीच में, लेकिन यहाँ पर केके अग्रवाल जी इनका ये कहना है कि दरअसल वो यूक्रेन को नहीं, चूंकि क्रीमिया सिर्फ एक पार्ट था उसको अपने भीतर मिला लिया, लेकिन अब पूरे की पूरे यूक्रेन को लेकर इस तरह की उसकी मंशा नहीं है। तो फिर मंशा क्या है, इतनी बड़ी तबाही जो मुल्क लेकर आ रहा है, क्या है उसकी मंशा? हम प्यूटिन के स्टेटमेंट जो पहले भी कई बार दी जा चुके हैं जानते हैं, वो मानता है कि यूक्रेन इज एंशिएंट रशिया, यूक्रेन इज रशियन लैंड, ये कई बार वो बता चुका है पिछले कुछ सालों में और ये अब उसकी पुष्टि हो रही है।